नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस धूमधाम के साथ समाज सेवी जगदीश प्रसाद मौर्य के कार्यालय पर मनाया गया। इस अवसर पर विनोद कुमार करदम सहित विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जगदीश प्रसाद मौर्य जी ने बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देखिए कृष्ण गुप्ता के साथ। हम बता दें कि आज जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश प्रसाद मौर्य के सानिध्य में और विभिन्न कार्यकर्ता गण रहे यहाँ, उनके द्वारा बाबा साहब का 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है ना। और बाबा साहब का निर्वाण दिवस मनाए आपके द्वारा, आप अधिवक्ता हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनमानस को? बाबा साहब के 68वें प्रथम धन्यवाद दिवस के मौके पर मैं पहले बाबा साहब को नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और यहाँ आए सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन अभावों में पढ़ लिख कर देश विदेश में जो उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा के बल पर अपने साथ हुए भेदभाव, अपमान, तिरस्कार को भुलाते हुए उन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के उत्थान के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए भारत का संविधान बनाया और उस संविधान में प्रदत्त सब अधिकारों के कारण देश दुनिया में तरक्की कर रहा है। और बाबा साहब को जाति के आधार पर लोग ज़्यादा देखते हैं, उनकी शिक्षा और उनके कर्तव्य तथा उनके द्वारा किए गए जनकल्याण के कार्यों पर कम ध्यान दिया जाता है। मेरा मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह यदि आज के नौजवान युवा शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों से प्रेम करते हुए, पुस्तकों को मित्र बनाते हुए उनके साथ आत्मसात होएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, तो बाबा साहब की तरह वे देश और दुनिया में नाम कर सकते हैं। आज लोग शिक्षा के बाद नौकरी और व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, समाज कल्याण पर, देश के कल्याण पर और लोगों के उत्थान के लिए कम ध्यान देते हैं। इसी कारण देश में समाज सुधारकों की बहुत कमी है। तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ परिवार के लोगों के कल्याण के साथ साथ देश के गरीब तबके के उत्थान के लिए भी काम करें। चलिएगा, अपने जाना हमारे साथ रहे समाज सेवी जगदीश प्रसाद मौर्य, और जिन्होंने बताया कि आज बाबा साहब का निर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर को मनाया गया। मौर्य साहब के अलावा यहाँ पर जो है विनोद करदम सहित और भी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, आपने सुना ही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।